तो वो उसमें इस प्रकार से वो दिक्कत वो अब कमिश्नर बोला कहे कहे कर क्या करें यार कर कहें दिक्कत हो तो गई आप नोटिफिकेशन लगा दो ये उसने लिख दिया क्या समिति जो चेयरमैन थी ना उसने लिख दिया जानबूझ करके कि भाई मैं सहमत नहीं हूँ ये नहीं हूँ वो नहीं हूँ हालांकि उसके पावर नहीं थे लेकिन अब वो लेडीज़ को कौन रोके तो उस चक्कर में फिर वो <laughs> वो कमिश्नर ने फिर हम नोट ऑफ नोटिफिकेशन लगाया फिर हम राज्य सरकार से मंजूर करा लें यानी प्रस्ताव जो उसने जो निर्णय लगाया था ना कमिटी के चेयरमैन उसको खारिज करवा दिया तो इस प्रकार से ये अपने धारा इक्यावन पे आते हैं अभी अपना ये चैप्टर थर्ड है कार्य संचालन और वार्ड समिति सबसे पहले अपने इसमें जो फिफ्टी वन है सबसे इम्पोर्टेंट धारा फिफ्टी वन है फिफ्टी वन में क्या है कि जो अपने जो बैठकें होती हैं वो बैठकें किस प्रकार से आयोजित की जाएंगी कैसे उनका उनका संचालन कौन करेगा क्या उसकी कार्य प्रणाली होगी किस प्रकार से इसके जो बोर्ड की जो बैठक होती है उसके कार्य संचालन नियम दो हजार नौ बनाए गए ठीक है ना कार्य संचालन बिजनेस ऑफ कंडक्ट टूल्स टू थाउजेंड नाइन बनाए गए और समितियों के लिए समितियों की जो पावर्स उसके ड्यूटीज हैं जो फंक्शंस हैं उसके लिए भी नियम दो हजार नौ बनाए गए पहले तो अपना एक्ट बना एक्ट के बाद तो रूल्स बनेंगे रूल्स बने बाद में ठीक है और 11 11 दो हजार नौ को कार्य संचालन नियम बने 11 11 दो हजार नौ और समितियों के बने 23 12 दो हजार नौ ठीक है ये समितियों के है ये उसके कार्य संचालन नियम अभी तो आगे अपन आगे डिस्कस करेंगे सबसे पहले अपने फिफ्टी वन मैंने इसलिए यहाँ इसलिए इसका हवाला इसलिए दिया है कि फिफ्टी वन क्या है कि कार्य संचालन से संबंधित धारा है ये एक्ट की धारा है और वो नियम है ठीक है ना एक्ट के तहत ही नियम बनते हैं बिना एक्ट के नियम नहीं बनते पहले एक्ट बनेगा उसके बाद नियम बनेंगे तो अपने फिफ्टी वन उसे कार्य संचालन संबंधित प्रमुख धारा है फिफ्टी वन तो फिफ्टी वन में क्या है कि साठ दिन के अंदर बैठक आयोजित होगी साठ दिवस में ठीक है साठ दिवस में बैठक होगी बोर्ड की जो भी बैठक है साठ दिवस में होगी और एक कैलेंडर ईयर में न्यूनतम छह बैठक होंगी न्यूनतम ज्यादा UH! हो सकती हैं, लेकिन न्यूनतम छह तो होंगी न्यूनतम छह बैठक होंगी ठीक है एक कैलेंडर कैलेंडर ईयर का मतलब समझते हो कैलेंडर ईयर का क्या मतलब होता है कोई बताएगा कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है हैं गलत एक अप्रैल एक जनवरी से कैलेंडर बोलते हैं एक जनवरी से दिसंबर तक वो तो वित्तीय वर्ष बोल दिया आपने जो एक अप्रैल वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर है है वो ये तो फर्क हैं है, एक जनवरी से लेकर इकतीस दिसंबर तक का जो पीरियड है वो कैलेंडर ईयर माना जाता है ठीक है ना कैलेंडर ईयर ये ये कैलेंडर ईयर है न कि फाइनेंशियल ईयर है एक अप्रैल से इकतीस मार्च तक वो वित्तीय वर्ष है दोनों में बेसिक अंतर ये है तो कैलेंडर ईयर मतलब ए, एक कैलेंडर ईयर में न्यूनतम छः बैठक होंगी ज़्यादा कितनी भी करो सात करो दस करो वो कोई उस पर रोक नहीं है मतलब न्यूनतम छ होंगी ये प्रश्न आपने आ सकता है कि न्यूनतम बैठक कितनी होंगी एक कैलेंडर ईयर में छः होंगी और साठ दिवस में एक बार बैठक होगी ठीक है अब इसमें बैठक ये तो हो गया ये अब इसमें क्या है ये तो साधारण बैठक की बात हुई विशेष बैठक भी हो सकती है 51 में विशेष बैठक का भी प्रोविजन है विशेष बैठक विशेष बैठक कब आयोजित होगी ये विशेष जो बैठक है जो सदस्य हैं एक बटा तीन वन थर्ड जो सदस्य हैं वो लिखित में प्रस्ताव देंगे चेयरमैन को अध्यक्ष जो अध्यक्ष है उसको प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे एक बटा तीन सदस्य जैसे मान लो बीस सदस्य हैं निर्वाचित ठीक है ना अब इसका एक बड़ा तीन कितने हुए सात सात मेंबर मतलब सात सदस्य जो हैं वो लिखित में हस्ताक्षर करके अध्यक्ष को प्रस्ताव देंगे और एक एजेंडा उनको देना पड़ेगा इस एजेंडे पर विचार किया जाए एक उनका एक संकल्प होगा उनका एक प्रस्ताव होगा चाहे वो किसी भी जैसे सफाई व्यवस्था पर विचार या रोड लाइट की समस्या विचार या विकास कार्य पर विचार ऐसा एक एजेंडा दे करके वो एक प्रस्ताव देंगे चेयरमैन को अब चेयरमैन क्या करेगा चेयरमैन जी के पास जैसे प्रस्ताव आएगा तो उसको पावर कितने विशेष बैठक आयोजित करे ठीक है कितने का दिन करे सात दिन सात दिन के अंदर अंदर वो बैठक आयोजित करे यदि वो विफल रहता है सात दिन के अंदर वो बैठक आयोजित नहीं करता है नहीं बुलाता है तो फिर वो मुख्य नगर पालिका जो अधिकारी है उसके पास वो चल जाएगा तो वो दस दिन के अंदर अंदर उसको विशेष बैठक आमंत्रित करेगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कितना करेगा दस दिन जैसे ही वो सात दिन पूरे हुए ना सात दिन पूरे न, दस दिन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी यानी दस दिन मतलब उसके जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है मुख्य नगर पाल आप समझिए जो भी वो दस दिन के अंदर अंदर वो विशेष बैठक बैठक आमंत्रित करेंगे ठीक है अब एक तीसरी बैठक होती है अत्यावश्यक बैठक ठीक है ना तो वो क्या है कि अध्यक्ष कभी बुला सकता है अत्यावश्यक बैठक कभी बुलाई जा सकती है लेकिन उसमें एक जो टाइम देना पड़ता है उस अध्यक्ष को सोचना अड़तालीस घंटे घंटे का टाइम देना पड़ता है कम से कम अड़तालीस घंटे का ये तो आगे आएगा ये तो फिफ्टी वन में ये प्रोविजन नहीं है ये तो कार्य संचालन जो नियम आएंगे दो जानों उसमें प्रोविजन आएगा ये लेकिन मैंने आपको ये पहले बता दिया लेकिन इसमें क्या है अत्यावश्यक बैठक का इतना ही सही है कि वो कभी भी बुला सकता है अध्यक्ष जो है वो कभी भी अत्यावश्यक बैठक बुला सकता है उसको लगता है कि भाई ये इस विषय पर इस एजेंडे पर मतलब चर्चा होना बहुत जरूरी है अत्यावश्यक इमरजेंसी है तो ऐसी इमरजेंसी में फिर वो मीटिंग बुला सकता है ये तो इक्यावन में प्रोविजन है समझ में आ गया इक्यावन फिफ्टी वन है ठीक है ना यानी मतलब एक कैलेंडर का मतलब कैलेंडर का मतलब समझ गए आप कैलेंडर ईयर में क्या है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो पीरियड है वो कैलेंडर ईयर माना जाता है अपने कैलेंडर नहीं छपते क्या ये पंचांग छपते हैं वो कब से कब तक छपते हैं जनवरी से कत्ते दिसंबर तक तक छपते हैं, तक तक चपते हैं। <laughs> तो वो एक कैलेंडर ईयर है उसी कैलेंडर ईयर नाम दिया तो वो ही तो है तो वो जो कैलेंडर है वो एक जनवरी से इकतीस दिसंबर तक का पीरियड है और वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से इकतीस मार्च तक का है तो ये अपने इसमें में अब सेक्शन ये मैं आपको बता सामान्य बैठक कब होगी साठ दिवस में ठीक है ना और न्यूनतम छह बैठक होंगी ये न्यूनतम छह बैठक होंगी विशेष बैठक कब बुलाई जाएगी जब बट, वन बीन सदस्य लिखित में प्रस्ताव देंगे चेयरमैन को अध्यक्ष को मतलब जो लिखित प्रस्ताव देंगे तभी वो सात दिन के अंदर बुलाएगा और वो नहीं विफल रहता तो फिर टेन टेन डेज में सी एम चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर जो है वो मीटिंग बुलाएगा ठीक है विशेष बैठक अब इसमें आगे है वो अत्यावश्यक बैठक के बारे में है ये आपको चार्ट दिया मैंने आपको कि भाई साठ दिन में एक बार ठीक है ना और एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम न्यूनतम छह बैठक होंगी और विशेष बैठक कब होगी अध्यक्ष बड़ा तीन निर्वाचित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अनुरोध पर सात दिन के भीतर अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी ठीक है और यदि वो इसमें नहीं बुलाता है अध्यक्ष भी विफल हो जाता है तो फिर वो दस दिन के अंदर मुख्य नगर पालिका अधिकार द्वारा बुलाई जाएगी साथ साथ ये अत्यावश्यक बैठक क्या होगा अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय बुलाया जाती है इसका डिटेल जो है वो अपन दो हज़ार जो बिजनेस और कंडेक्ट टूर्स पढ़ेंगे दो हजार नौ के उससे में आपको डिटेल्स ये क्यावन इसलिए बताना जरूरी था कि भाई क्यावन उसके मतलब कोरिलेटेड है उससे जो कार्य संचालन नियम है उससे कोर है फिफ्टी वन है पचपन तो समितियों संबंधित है वो समिति का है पचपन फिफ्टी फाइव फिफ्टी वन है इससे संबंधित कार्य संचालन से और समितियों के जो पावर्स और जो ड्यूटीज हैं जो फंक्शंस हैं उसके संबंध फिफ्टी फाइव वो 55 फिफ्टी फाइव भी है फिफ्टी सिक्स भी है वो तो अपन डिटेल जब समितियों के जब पढ़ेंगे जब आपको बताएंगे डिटेल से बाकायदा <laughs> ऐसी कोई नहीं तो ये अपने फिफ्टी वन अब फिफ्टी बता दिया मैंने आपको कैसे कैसे होंगे फिफ्टी वन में अब फिफ्टी टू है फिफ्टी टू में, में क्या है कि सदस्यों के अधिकार और विशेष अधिकार उसके जो कार्य क्या सदस्यों के होंगे तो एक सदस्य क्या क्या अधिकार होंगे क्या उसके विशेष अधिकार सबसे पहले तो वो नगर पालिका की यदि कोई मतलब कार्य की उपेक्षा कर रही है या नगर पालिका को संपत्ति को कोई हानि हो रही है या नगर संपत्ति कोई बर्बादी हो रही है ठीक है ना उसके संबंध में उसका नगर पालिका का ध्यान आकर्षित करेगा और उसके सुधार के संबंध में कोई सुझाव भी दे सकता है सदस्य जो मेंबर हैं, वो क्या है कि उसको सुझाव भी देंग दे सकते हैं के में। इस इस पे क्या सुधार के संबंध नगर पालिका जो, जो प्रशासन से संबंधित जो, जो, जो कार्य है उसके जन की जो समस्याएं है उसके बारे में वो ध्यान आकर्षित करेगा मेंगर पालिका का जो भी नगर पालिका चाहे वो अधिकारी को करे चाहे वो चेयरमैन को करे तो वो उनका ध्यान आकर्षित करेगा ये सदस्य उसके अधिकार है एक अधिकार उसका यह है कि वो जो नगर पालिका का जो रिकॉर्ड है उसका निरीक्षण कर सकता है बिना फीस चुकाए एक नोटिस उसको देना पड़ेगा म्युनिसिपल कमिश्नर उसको ऑफिसर को जो म्युनिसपल जो चीफ म्युनसिपल ऑफिसर है उसको एक नोटिस देगा लिखित में कि भाई मैं फला रिकॉर्ड का निरीक्षण करना चाहता हूँ तो बिना फीस चुकाए उसका निरीक्षण कर सकता है लेकिन नकल नहीं ले सकता नकल तो फीस जमा करानी पड़ेगी जैसे आमजन कराते हैं समझ गए बात ये इसमें ये एक वो है कुछ भी समझो कि मतलब ये कई नगर पालिकाओं से मेरे पास प्रश्न आए थे तो मैंने कहा आप नकल नहीं दे सकते नकल तो फीस चुकानी पड़ेगी मेंबर को उसने मेंबर ने वहां लड़ाई झगड़ा करना तैयार हो गया कि मैं तो, में तो मेंबर हूँ मेरे को तो लेने का राइट है मतलब बिना फीस चुकाए नकल लूंगा तो मैंने कहा आप ऐसा लिखे थे मना कर दो इसको दैट्स ऑल क्या करिएगा मेंबर तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है लेकिन अपने जो एक्ट में जो प्रोविजन है वो यही है केवल निरीक्षण कर सकता है वो नकल जो प्रोविजन अन्य के लिए है वही प्रोविज़न उसके लिए है फीस चुकाओ और नकल ले या तो फिर सूचना के अधिकार के तहत लो सूचना के अधिकार के तहत तो युद्ध लग पैसे लगते ही हैं चाहे कुछ भी करो दो रुपये प्रति कॉपी लगते तो लगते ही हैं, प्रति कॉपी दो रुपये लगते ही है तो ये उसमें से फिफ्टी टू